नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। बोकारो जिला ब्यूरो चीफ जेएम रंगीला की रिपोर्ट, कोल इंडिया का निजीकरण बर्दाश्त नहीं। सीटू के संबंध में एनसीओएईए के पीट मीटिंग सीसीएल स्वांग वासरी के कैंटीन में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए एनसीओईए सीटू के कथारा क्षेत्रीय सचिव सह सीसीएल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य प्रदीप कुमार विश्वास ने कहा कि आज पूरा कोयला उद्योग समेत देश के सभी सार्वजनिक उद्योग खतरे में है। वर्तमान की मोदी सरकार सभी सार्वजनिक उद्योगों को निजी हाथों में देने के लिए काम कर रही है। इसी मोदी सरकार के दबाव में कोल इंडिया प्रबंधन भी कोयला क्षेत्र को निजी हाथों में देने के लिए अपनी गतिविधियां आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया में कार्यरत मजदूरों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को 9.30 के तहत मिलने वाली नौकरी को प्रबंधन बंद कर देना चाहती है। साथ ही साथ 9.40 के तहत अनफिट मजदूरों के आश्रितों को मिलने वाली नौकरी को भी प्रबंधन ने रोक दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की उन्हीं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सीटू संघर्ष के मैदान में उतर चुकी है तथा देश के सार्वजनिक उद्योगों और देश के मजदूरों को बचाने के लिए 9 अगस्त को सीटू ने भारत बचाओ दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है। आज स्वांग वासरी में मजदूरों की यह पीट मीटिंग भारत बचाओ दिवस की एक कड़ी है। सीटू नेता राकेश कुमार ने कहा कि मजदूर विरोधी मोदी सरकार जो मजदूरों के ऊपर लगातार हमले कर रही है, मोदी सरकार ने मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने श्रम कानूनों को कमजोर कर दिया है और पूंजीपतियों एवं निजी कंपनियों के मालिकों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए श्रम कानून की जगह 4 लेबर कोड लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों का सीटू के नेतृत्व में सरकार व प्रबंधन की इस मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष के मैदान में उतरना होगा। उन्होंने स्वांग वासरी में सीटू को मजबूत करने का आह्वान मजदूरों से किया। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में सीटू के बैनर तले प्रबंधन के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एवं मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा संघर्ष करेंगे। इस कार्यक्रम में दुलार चंद यादव, फिरोज मियां, जानकी सिंह, प्रभु भुइयां, छत्रु छात्रपति समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। NCOE CI2 कथारा क्षेत्रीय कमेटी के निर्णय अनुसार कथारा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और कोल इंडिया प्रबंधन का जो कोयला मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ और भारत सरकार जो कोयला उद्योग को निजीकरण और सारे सार्वजनिक उद्योग का जो निजीकरण करने का जो प्रक्रिया किया है, इसके विरुद्ध में CI2 NCOE की एक सभा जो है सीसीएल स्वांग वासरी में आज हुई है, जो है इसके तहत हम कहना चाहते हैं कि मजदूर आज जो है सो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए एकजुट हो और कोल इंडिया को रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। अभी मीटिंग के दौरान ये देखने को मिला कि स्वांग वासरी का जो कैंटीन है ये कितना जर्जर अवस्था में है। ना एसी है लेकिन एसी काम नहीं कर रहा है। एसी कहाँ चला गया, इसकी जांच होनी चाहिए। कैंटीन का दुर्वस्था के लिए कौन जिम्मेवार है, इसका जांच होना चाहिए। कैंटीन में लाखों रुपया जो खर्च हुआ है कैंटीन का एक सौंदर्यीकरण करने के लिए, वो कहाँ गया है रुपया, इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए प्रबंधन के खिलाफ में। जो भी इसके लिए दोषी उस पर उचित कार्रवाई हो। हम CIT की ओर से ये चाहते हैं कि स्वांग वासरी के मजदूरों की जो समस्या है उसको लेकर आने वाला दिन में हम मांग पत्र देखते हुए एक आंदोलन के कार्यक्रम में हम जाएंगे।